हेलो दोस्तों, वर्क फ्रॉम होम किचन में आपका स्वागत है। तो आज हम आलू और शिमला मिर्च की सब्जी बनाएंगे। सब्जी बनाने के लिए हम सामग्री देख लेते हैं। ये हमने दो सूखी हुई मिर्च ली है, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला है, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच से थोड़ा कम हल्दी पाउडर है, नमक स्वाद के अनुसार, एक बड़ा चम्मच धनिया पाउडर है और एक छोटा चम्मच बेसन लिया है हमने, एक बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है ये। हरी मिर्च को हमने इस तरह से थोड़े बड़े बड़े टुकड़ों में काट कर ले लिया है दो, और थोड़ा सा ये पचफोरन लिया है आधा छोटा चम्मच। दो छोटे साइज के आलू को उबाल कर इस तरह से काट कर ले लिया है, एक टमाटर को बड़े बड़े टुकड़ों में काट कर ले लिया है और एक प्याज को इस तरह से रफली चॉप करके बड़े बड़े साइज में ले लिया है। दो शिमला मिर्च को हमने इस तरह से थोड़े बड़े पीसेस में काट लिए हैं क्यूब्स में इस तरह से। सब्जी बनाने के लिए कढ़ाई में हमने एक छोटा चम्मच तेल डाला है, तेल को हमने इस तरह से हल्का सा फैला लिया है और इसमें हम शिमला मिर्च को डाल देंगे। शिमला मिर्च को डालकर आंच को हम एकदम तेज रखेंगे और हाई आंच पे इसको लगभग एक से दो मिनट तक सौटे करेंगे। शिमला मिर्च को हमने दो मिनट तक तेज आंच पे सौटे कर लिया है। आप देख सकते हैं इसके ऊपर ही हल्का सा लेयर सा दिखने लगा है, तो हम इसको कढ़ाई में से निकाल लेंगे। शिमला मिर्च को हमने निकाल लिया है, अब कढ़ाई में हमने फिर से तेल डाला है थोड़ा सा, लगभग दो चम्मच के करीब तेल है ये। अब हम इसमें लाल मिर्चों को डाल देंगे, पचफोरन डाल देंगे और पचफोरन को थोड़ा सा चटकने देंगे। लगभग 30 सेकेंड में हमारा पचफोरन अच्छे से चटक जाएगा। फिर हम इसमें हरी मिर्चों को डाल देंगे, साथ में प्याज को भी डालेंगे। प्याज को लगभग एक मिनट तक तेज आंच पे इसी तरह से लगातार चलाते हुए भूनेंगे। प्याज को हमने लगभग एक मिनट तक तेज आंच पे भून लिया है। अब हम इसमें उबले हुए आलूओं को डाल देंगे। आलू को डालकर आंच को हम मीडियम कर देंगे और इसको दो से तीन मिनट तक लगातार चलाते हुए प्याज के साथ पकाएंगे। तो आलू को भी हमने अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें टमाटर को डाल देंगे और टमाटर को डाल के इस तरह से बीच में कर देंगे। आप चाहें तो इसको ढक दें जिससे कि टमाटर बहुत ही जल्दी से गल जाएगा। टमाटर भी अच्छे से गल गया है तो इसमें हम अदरक लहसुन को डाल देंगे और साथ में हम बेसन, धनिया, नमक, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला और हल्दी भी डाल देंगे और इन सारी चीज़ों को डालकर अच्छे से इस तरह से मिक्स करेंगे। पानी डालने से मसाले अच्छे से पकते हैं और अच्छे से मिक्स भी हो जाते हैं। इसमें हमने लगभग तीन बड़े चम्मच पानी डाला है। पानी डालने से सारे मसाले, अदरक लहसुन सब अच्छे से पक जाएंगे। तो आंच को हमने मीडियम ही रखा है, मीडियम आंच पे हम इसको अच्छे से पकाएंगे। मसालों को हमने मीडियम आंच पे लगभग पाँच मिनट तक अच्छे से भून लिया है। अब इसका पानी एकदम सूख चुका है और मसाले में से भी बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है। तो अब हम इसमें सौटे किए हुए शिमला मिर्च को डाल देंगे और इसको अच्छे से मिला लेंगे और गैस का फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे और इसको लगभग दो मिनट के लिए ढक देंगे। सब्जी को हमने दो मिनट तक ढक के पका लिया है। इसको हमें बहुत ज़्यादा गलाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सारी सब्जियाँ ऑलरेडी पकी हुई हैं और शिमला मिर्च को हमने पहले सौटे किया था। अगर आप आलू उबले हुए ना यूज़ करें तो जब प्याज के साथ आलू को डालते हैं तो उस टाइम पे आलू को अच्छे से पका के उसके बाद सब्जी को बनाएं। ये हमारी गर्मा गर्म आलू और शिमला मिर्च की सब्जी बन के तैयार है। इसको हम गर्मा गर्म पूरी, पराठे या फिर रोटी के साथ इंजॉय कर सकते हैं। आप भी एक बार मेरी रेसिपी से इस तरह से शिमला मिर्च और आलू की सब्जी बना के ट्राई करें। आई होप कि आपको रेसिपी पसंद आएगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।